आज मैं लेट उठी हूँ इसलिए कि सैटरडे और संडे को मेरी छुट्टी होती है और आज मैं 12:30 बजे उठी हूँ और आज अभी अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ संडे की नहीं सैटरडे की रूटीन शेयर करूँगी। तो चलते हैं आज की लोग की तरफ। और अब मैं नाश्ते के बाद यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करने के लिए फ़ोन देख रही हूँ और यहाँ पर मैं खेल रही हूँ गेम। तो आप लोगों के पास कौन कौन से गेम्स हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास तो पूरी वो गेम्स हैं, मेरे पास गेम की बहुत सारी ऐप्स हैं। मेरे पास मैं फ्री टाइम पे अपने मोबाइल पर गेम भी खेलती हूँ। यहाँ पर मैं मामू मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये तो कोई खाने की चीज लग रही है, तो उसको ओपन करके देखते हैं कि ये क्या है। और साथ साथ में हमें 3 स्पून्स भी मिले हैं, ये फोक स्पून्स हैं। तो चलो अब ओपन करते हैं। और वाह, उसमें तो पैनकेक्स हैं। पैनकेक तो बहुत यम्मी लग रहे हैं, मैं फेवरेट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर पैनकेक टेस्ट करने लगी हूँ। नहीं, मैं पहले खुद नहीं खाऊंगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। तो अब मैं खाने लगी हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसकी चॉकलेट का जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैंने नहा लिए, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होकर। और मैं यहाँ पर नहा कर ऊपर आ गई हूँ। वैसे सर्दी तो नहीं है, पर मुझे नहाने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी है। और साथ साथ में मैं अपनी बिल्ली मौसी को भी ले आई हूँ ऊपर। 2-3 दिन पहले मैंने अपने हेयर कट को करवाए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं हेयर के कैसे लग रहे हैं। मैंने अपनी मम्मा से चेक करवा कर मैंने बाल कटवाए हैं, इसलिए कि मुझे लॉन्ग हेयर नहीं पसंद, मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है। अब कराची का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। और मैंने टीवी पे सुना था कि 2-3 दिन के बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और आप बताएं आप लोग आपकी तरफ मौसम कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कराची में अब किसी को भी सर्दी लगती और मैं रात को फैन और करके सोती हूँ। और अब मैं आप लोगों के साथ और लोग नीचे जाकर शेयर करती हूँ। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।